What's up guys and welcome back to another vlog. It's day 3 in Budapest. कल हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे बारिश की वजह से, जैसा आपको पता है अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है. बट आज बहुत ही अच्छा वेदर है, बिल्कुल सनी है. एंड सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. यू गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस यू चोज? आई डोंट नो व्हाट इज द प्लेस, बट इट्स विद हमस एंड फलाफल. फलाफल, ओके. सो इट्स बेसिकली अ टर्किश रेस्टोरेंट काइंड ऑफ. एंड ब्रेकफास्ट के बाद हमारा प्लान है आज पूरी सिटी एक्सप्लोर करने का. एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी. सो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग. ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था हमस बार रेस्टोरेंट में. वी हैड पीटा विद फलाफल. एंड अब हमारा प्लान है पहले जू कैफ़े जाने का. पास में एक कैफ़े है, वेरोनिका वांट्स टू टेक सम पिक्चर्स देयर. एंड उसके बाद हम जाएंगे फिर से पार्लियामेंट वाले एरिया में, क्योंकि कल हम वहाँ कुछ भी नहीं देख पाए थे, बारिश स्टार्ट हो गई थी. तो आज देखते हैं कि वहाँ पर पहले बोट राइड लेंगे या फिर वहीं पार्लियामेंट का एरिया एक्सप्लोर करेंगे. वेरोनिका, यस, वेयर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग टू द जू कैफे. व्हाई? Because they have bunnies. You want to take photos with bunnies? Okay. Then we'll go to the parliament. Okay. तो बेसिकली जू कैफ़े का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये सारे इन्होंने एनिमल्स पाले हुए हैं एंड ये बस आराम से ऐसे रिलैक्स करते हैं. हाँ, बड़ी सुनने ऐसे ये सारी बिल्लियाँ बैठी हुई हैं. आई विल शो यू समथिंग, ओके? या, लुक हियर. These cats here are so chilled. This is insane. They're just chilling. They're sleeping. Did you see, like, this one? Look at this one. Like, hello, little guy. Oh my God. Oh. Wow. Look, there's another one sitting there. तो पूरे कैफ़े में हर टेबल पे बिल्लियाँ बनीज़ वगैरह बैठे हुए थे. ऐसा कॉन्सर्ट मैंने पहली बार देखा है. बट अनफॉर्चुनेटली पूरा कैफ़े अभी फुल था, तो हमने कल के लिए रिजर्वेशन कराई है. एंड अब हम जा रहे हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास. तो पार्लियामेंट जाने से पहले हम जा रहे हैं यहाँ की ओपन मार्केट में. यहाँ बुदापेस्ट में बहुत ही फेमस ओपन मार्केट है ये. अंदर स्ट्रीट फूड वगैरह मिलता है एंड लोकल प्रोड्यूस यहाँ का. तो जाके देखते हैं कि यहाँ की ये लोकल मार्केट कैसी है. इसका नाम है द सेंट्रल मार्केट ऑफ बुदापेस्ट. ये है यहाँ की ओपन मार्केट. बहुत सारे स्टॉल वगैरह आए हैं अलग अलग टाइप की चीज़ों की. यहाँ हंगेरियन ब्रेड. वुड यू लाइक टू ट्राई सम हंगेरियन स्पेशलिटीज? आई डोंट नो, लाइक व्हाट? दिस चिमनी ब्रेड इज हंगेरियन. या, आई हैड दैट बिफोर. सो आई थिंक मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाई भी थी. चिमनी ब्रेड होती है स्वीट ब्रेड एंड ओरिजिनली वो हंगरी की है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है. और यू कैन ट्राई स्ट्रॉबेरी इन चॉकलेट इवन दो दैट्स नॉट हंगेरियन. दैट आई कैन ऑलवेज हैव. या, बट काफ़ी अच्छी मार्केट है. इट्स अ नाइस मार्केट, राइट? या, लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट हियर. तो देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ पसंद आती है तो लेते हैं. मोस्टली मीट वगैरह मिल रहा है यहाँ पे एंड लोकल प्रोडक्ट. या, आई डोंट नो व्हाई सो मेनी मीट शॉप्स. ये है बुदापेस्ट की रिवर फ्रंट वॉक. लेफ्ट में ये डेन्यूब रिवर है एंड बिल्कुल उसके साइड में है वो हिल टॉप जहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बुदापेस्ट का. अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप वहाँ उसके बिल्कुल आसपास नहीं जा सकते. पहले वरना बहुत ही अच्छा था वहाँ पर. एंड यहाँ से बिल्कुल सीधा जाके है पार्लियामेंट बिल्डिंग. अराउंड आई थिंक 20 मिनट की वॉक होगी. आई थिंक आज यहाँ पर किसी टाइप का प्रोटेस्ट चल रहा है. इतनी सारी पुलिस खड़ी है. कोई हंगेरियन प्रोटेस्ट है, सबने हंगरी के फ्लैग लिए हुए हैं बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने. ये फ्रंट साइड है पार्लियामेंट की. पता नहीं किस चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा है, बट हर बंदे ने अपने हाथ में हंगरी के झंडे लिए हुए हैं. मे बी कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है.
सो मैंने एक दो लोकल बंदों से पूछा एंड पता लगा ये प्रोटेस्ट हो रहा है नो वैक्सीनेशन के लिए, यहाँ पर लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते क्योंकि यहाँ पर हंगेरियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था कि अगर आपको किसी भी बार क्लब रेस्टोरेंट में जाना है तो आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, तो लोग उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें नहीं लगवानी वैक्सीनेशन, मतलब आपका राइट होना चाहिए चूज़ करने के लिए कि आपको लगवानी है या नहीं। इसके लिए मैं भी एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको लगवानी पड़ेगी, इट्स अप टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू गेट वैक्सीनेटेड और नॉट। हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि आज भी बारिश स्टार्ट हो गई जबकि फोरकास्ट में आज बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, एंड कल भी जब हम इस एरिया में आए थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो ये हम पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। तो इतने हमने डिसाइड किया कि लंच करने जाते हैं, पास में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो मैंने ढूंढा है गूगल पे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं एंड आज हमारा चाइनीज़ खाने का मन था, सो वी आर गोइंग टू अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट। So this is the restaurant. Iska even naam bhi Chinese mein hai. It's an authentic Chinese restaurant. So what are we having today? We are having Sichuan style food. Ye restaurant bilkul authentic Chinese hai. Even jo maine iced tea order kari hai. It's all the way from China. Maine order kiya hai Sichuan style chicken with rice. How would you rate the Chinese food? 4 out of 10. 4? Yes. So I tried such an amazing Asian food. I really have high expectations. इतना कोई खास नहीं था चाइनीज़ खाना, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी क्योंकि रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, बट आई थिंक यहाँ बुदापेस्ट में इतने ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं नहीं, क्योंकि पोलैंड में अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं तो बहुत टेस्टी खाना मिलेगा आपको, एंड यहाँ पे अभी तक हमें कोई खास रेस्टोरेंट मिला नहीं। मतलब जगह बहुत सुंदर है बट इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी टेस्टी था, बट उसके अलावा कोई खास रेस्टोरेंट अभी तक हमें मिला नहीं। एंड अब हम पियेंगे कॉफ़ी, एक बहुत ही अच्छा कैफ़े है हमारे एयरबीएनबी के साथ में, द क्लोई कैफ़े। मुझे लगा था कि बुदापेस्ट पोलैंड से सस्ता है, बट यहाँ आके अब पता लग रहा है कि पोलैंड से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वेस्टर्न यूरोप जितना एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगर मैं पोलैंड से कंपेयर करूँ तो स्टिल काफ़ी प्राइसी है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह। आई थिंक स्पेशली कोविड की वजह से इन्होंने 25-30% इंक्रीज़ कर दिए हैं प्राइसेस हर रेस्टोरेंट के। तो जब मैं पहले बुदापेस्ट आया था तब इतना महंगा नहीं था, इस बार थोड़ा महंगा लग रहा है। How is the coffee around here? It's very nice. Yeah? I also got this cooking. And look at the cups, they're so cool. Okay, now and you have some fairy dust on top. Oh. It's like sparkling glitter. Fancy. Edible glitter. Fancy cappuccino. Did you see that? Yeah. काफ़ी फैंसी लग रही है कॉफ़ी देखने में, एंड वेरोनिका ने ऑर्डर किया कैपेचिनो एंड मैंने हेज़लनट लाते, टेस्ट करके देखते हैं। गुड, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड, या सो आई एम ग्लैड एटलीस्ट कॉफ़ी टेस्टी है यहाँ पे। तो एयरबीएनबी में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आए हैं यहाँ बुदा कैसल पे। अब यहाँ से व्यू देखो, पूरी सिटी के इतने प्यारे व्यू हैं यहाँ पे रात को। ये बिल्कुल हिल टॉप पे लोकेटेड है, नेक्स्ट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस वक्त कैसल तो बंद है बट हम यहाँ से सिर्फ व्यूज़ इन्जॉय करने आए हैं। पूरी सिटी के पैनोरामिक व्यूज़ हैं यहाँ से, पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड कैथीड्रल, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो है हंगेरियन पार्लियामेंट एंड दैट्स द सेंट स्टीफन्स बेसिलिका, एंड ये पूरी डैन्यूब रिवर है, ये सेपरेट करती है बुदा एंड पेस्ट को, एंड दैट्स द चेन ब्रिज। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये कैसल एरिया। मेरे लेफ्ट में ये फाउंटेन देखो, इट लुक्स सो नाइस। ये पूरा एरिया ही बहुत ब्यूटीफुल है, कैसल के बीचों बीच ये इतना प्यारा कोर्टयार्ड है। रात को इतनी अच्छी वाइब है यहाँ से, वी आर सो ग्लैड कि हम रात को यहाँ पर आए, वरना हमारा पहले प्लान था बोट राइड पर जाने का, बट बोट राइड मैंने ऑलरेडी करी हुई है बुदापेस्ट पे, बट यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। इवन तो मैं दो बार पहले बुदापेस्ट आ चुका हूँ, बट वी नेवर केम टू बुदा कैसल।
तो गाइस टू फिनिश ऑफ द डे हम आए हैं द हंगेरियन पार्लियामेंट. मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ आप लोगों को, बट रात को ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि पूरा लिट अप होता है. बहुत ही अच्छी लाइटिंग है इस वक्त यहाँ पे. तो थोड़ी देर अब हम यही टाइम स्पेंड करेंगे एंड कल हमें निकलना है सुबह सुबह वापस पोलैंड के लिए. सो आई रियली होप यू एंजॉयड द होल बुदापेस्ट सीरीज एंड यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग. अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो कॉमेंट एंड लाइक करना मत भूलना गाइज. एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर लविंग द कॉन्टेंट. एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं आती. So please press that notification bell and I will see you guys in the next vlog.